Hello guys, welcome to the channel. Question number 20 is chapter number 23, heat and temperature. An aluminium plate fixed on a horizontal position has a hole of diameter 2 cm. A steel sphere of diameter 2.005 cm rests on this hole. All the length referred to 10 degrees Celsius. Temperature of the entire system is slowly increased. At what temperature it will fall down? And the coefficient of the linear expansion of aluminium and steel has been given. हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम मेंटर अनुराग। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सिचुएशन अगर हम समझे तो हमारे पास क्या है, एक एल्युमिनियम का प्लेट है, ठीक है। उस एल्युमिनियम के प्लेट के अंदर एक होल है, ठीक है। इसी होल के ऊपर क्या किया हुआ है, एक स्टील का स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं लाइनिंग सेक्शन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट विल बी स्टील वाला पार्ट, और जो अंदर वाला पार्ट है वो एल्युमिनियम का पार्ट है, ठीक है। दैट इज द एल्युमिनियम पार्ट एंड दैट इज द स्टील पार्ट, ठीक है। अब ये कहता है कि किस टेम्परेचर के बाद होने पे स्टील वाला जो स्फीयर है इस होल में से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो होल है, होल में से स्टील वाला क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। क्यों, अभी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, नीचे वाला डायमीटर कम है, ऊपर वाला डायमीटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वो नहीं होने वाला। कब होगा, कम से कम एटलीस्ट दोनों के डायमीटर क्या हो जाए, इक्वल तो हो, तब कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्टील वाला स्फीयर एल्युमिनियम वाले होल में से पास थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि भैया इसको पास कराने के लिए क्या करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो चीजें क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, होगा एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड, लेकिन दोनों ही होंगे, स्टील भी एक्सपेंड होगा और एल्युमिनियम भी एक्सपेंड होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि स्टील बॉल निकलेगा या नहीं निकलेगा, ध्यान से अगर हम चेक करें कि लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो है एल्युमिनियम का और स्टील का गिवन है, ठीक है, और देख के पता लग रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्टील, तो ऑब्वियस ही बात है एल्युमिनियम ज्यादा फैलेगा कंपेयर टू स्टील, सही है। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर स्टील फैलने वाला है एल्युमिनियम से ज्यादा फैल जाएगा और स्टील की प्रोबेबिलिटी बनती है कि उसमें से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। सो तो टेम्परेचर ढूंढते हैं कि वो टेम्परेचर है कौन सा, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज यूज करनी है, डायमीटर नए वाला इज इक्वल टू पुराने वाला 1 प्लस अल्फा डेल्टा, सही है। इसको दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, किसके ऊपर, स्टील के ऊपर भी और एल्युमिनियम के ऊपर भी, नाइस। सो एल्युमिनियम आफ्टर एक्सपेंशन डाया 1 प्लस अल्फा डेल्टा, नाइस। और इसी तरह अगर स्टील का लिखता हूं तो आफ्टर एक्सपेंशन डी स्टील 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा, नाइस, ठीक है। तो अगर इसको करते हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब ये दोनों क्या हो जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ हो जाएगा, तो कंडीशन मैंने डिस्कस करी है कि जब एल्युमिनियम का डायमीटर इज इक्वल टू स्फीयर ऑफ स्टील का डायमीटर, दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगी, सही है। तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट करें तो दैट विल बी एल्युमिनियम प्लस डी, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, अल्फा एल्युमिनियम डेल टी, दैट विल बी एल्युमिनियम डेल टी इज इक्वल टू किसके बराबर, स्टील 1 प्लस एंड स्टील अल्फा, वो भी किसका, स्टील का, दैट विल बी डेल्टा, सही है। इसको इक्वेट करते हैं, जो एक टर्म है इस डेल्टा के वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, नाइस, ठीक है। तो दैट विल बी डेल्टा कॉमन डी एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम माइनस डाया ऑफ स्टील स्फीयर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टील डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम, ये आ गया, ये आ गया, और डेल्टा डी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डेल्टा डी तो मुझे चाहिए, इसको तो छेड़ता ही नहीं, नाइस। और ये क्या गिवन है मुझे, डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, और क्या चीज है, अल्फा, अल्फा मुझे गिवन है इसका एल्युमिनियम का 23 × 10⁻⁶-, ठीक है, सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टील के लिए क्या दिया हुआ है हमें, स्टील के लिए गिवन है 2.005 मल्टीप्लाई 11 10⁻⁶,
Nice. And the steel 2.005 minus 2. ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले रहा हूं, डेल टी यहां रह जाएगा, दैट विल बी 23 इंटू 46 माइनस दैट विल बी 11 इंटू 2 22 साथ में बन जाएगा ये, दैट विल बी 22.055 ओके इज इक्वल टू 0.005 सही है. तो डेल टी इज इक्वल टू 46 माइनस 22 दैट विल बी 23.095 दैट विल बी हो गया 23.945 सही है. मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0.005 ठीक है. इसी टाइप को आगे लेके चलते हैं क्या होने वाला, दैट विल बी डेल टी इज इक्वल टू 0.005 divided by 10 raised to power minus 6 and 23.945 okay, which is equal to 5 into 10 raised to power 3 and approx अगर मैं इसको लेता हूँ तो approx लगभग ये 24 ही है, 23.945 को सही है, तो that will be 5000 को किससे divide कर लेते हैं, 24 से That will be 2512612503625 and that will be around 208 and something that will be 0.8 सही है. तो मेरे पास क्या आया, डेल्टी 208.8. डेल्टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर is equal to 208.8 and T2 is equal to 208.8 plus 10 because initial temperature has been given which is equal to 10 degree Celsius and answer is 218.8 which is 219 degree Celsius. So that is the answer of the question. Hope question ka jo solve tha samajh aa gaya hoga. बेसिकली क्या है, स्टील का डायमीटर ज्यादा था, एल्युमिनियम का कम था, लेकिन एल्युमिनियम का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो ज्यादा है किससे, स्टील से. तो सेम टेम्परेचर चेंज होने से एल्युमिनियम ज्यादा एक्सपेंड करेगा स्टील से. ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट एंड होप क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होगा. स्टिल देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.